नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं ज्ञान स्पेशल बुलेटिन, जिसमें आप देख पाएंगे राजनीति, खेल, मनोरंजन और क्राइम से जुड़ी खबरों को। तो चलिए चलते हैं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। बुलंदशहर में होमगार्ड घोटाला। यूपी के नोएडा के बाद अब बुलंदशहर में भी होमगार्डों की फर्जी ड्यूटी लगाकर घोटाला किए जाने का सहायक जिला कमांडेंट ने दावा किया है। गंगा स्नान मेले में विवाद को लेकर गांव में फायरिंग। बुलंदशहर के बीबी नगर थाना क्षेत्र के गांव लाडपुर में दो गुटों में गढ़ मुक्तेश्वर गंगा स्नान मेले में हुए विवाद को लेकर गांव पहुंचने पर संघर्ष हो गया। कानपुर मेट्रो के एलिवेटेड ट्रैक की आज नींव रखेंगे सीएम योगी। आईआईटी के सामने सीएम पिलर की नींव तैयार करने वाली मशीन का बटन दबाएंगे और नारियल फोड़ कर करेंगे शुभारंभ। बुलंदशहर कोर्ट में भी चोरों ने वकीलों को भी नहीं बख्शा। खचाखच भरे चैम्बर में चोरों ने किया हाथ साफ। कोर्ट में पैरवी के लिए गए हुए थे दोनों वकील नरेश कुमार राजौरा और राजेश चंद्र शर्मा की जेब से मोबाइल उड़ाए। बुलंदशहर में NH 91 के किनारे सिक्योरिटी गार्ड का शव मिलने से फैली सनसनी। लोहे की वायर से गला घोंट कर की गई है सिक्योरिटी गार्ड की हत्या। यूनिफॉर्म में है मृतक सिक्योरिटी गार्ड। भाजपा ने सौंपी विकास वाशने को नगर की कमान। बुलंदशहर डबाई नगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विकास वाशने को सौंपी कमान। इस मौके पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। डबाई नगर के कोतवाली में भाईचारा एकता कमेटी द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता उप जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह व पुलिस क्षेत्र अधिकारी विक्रम सिंह द्वारा की गई। कटनी जिला अस्पताल में भर्ती गुरुवार देर रात चाका निवासी राकेश ठाकुर की मौत के बाद परिजनों ने जिला अस्पताल में हंगामा किया। परिजनों ने आरोप लगाया कि जिला प्रबंधक की लापरवाही के कारण युवक की मौत हुई है। मदन महल पुलिस ने सातिर बदमाश नरेंद्र उर्फ पप्पू विश्वकर्मा, पिता रमेश चंद्र विश्वकर्मा 42 वर्ष निवासी कालीमठ मंदिर के पास आमनपुर को NSA में गिरफ्तार कर लिया है। अवैध गौवंश ले जाते हुए बजरंग दल ने पकड़ा पिकअप वाहन। रात में होती है गौवंश की तस्करी। 13 व 14 नवंबर की दरमियानी रात्रि बजरंग दल को सूचना मिली थी कि गौवंश से भरा अवैध वाहन इंदौर रोड की ओर आ रहा है। दिल्ली NCR में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण के मुद्दे पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। नाराज कोर्ट ने NCR में प्रदूषण पर काबू पाने में नाकाम दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिवों को आगामी 29 नवंबर को तलब किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे कानपुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को कानपुर पहुंचे, जहां उनका हेलीकॉप्टर IIT में बने हेलीपैड पर उतरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानपुर दौरे से ठीक पहले सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी को कानपुर पुलिस ने उनके सैकड़ों समर्थकों संग गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार पूरब के मैनचेस्टर के नाम से विख्यात कानपुर के औद्योगिक नाम को फिर से पटरी पर लाने के लिए प्रयासरत है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को केंद्रीय आवास पर शहरी विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हरदीप सिंह पुरी के साथ कानपुर में मेट्रो प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। बुलंदशहर के जिला अधिकारी रविंद्र कुमार के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी के पर्यवेक्षण में चलाया गया परिवर्तन अभियान। निर्वाचन आयोग झारखंड विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। आयोग द्वारा महिलाओं को जागरूक करने के लिए स्वीप के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। बुलंदशहर में 25,000 का इनामी गिरफ्तार। बुलंदशहर के SSP संतोष कुमार सिंह के आदेश के अनुसार SP क्राइम शिवराम यादव व SP देहात हरिंद्र कुमार के कुशल नेतृत्व में चलाया वांछित अभियान। पेट्रोल की कीमतों में आज शुक्रवार को भी तेजी आई है। राष्ट्रीय राजधानी सहित देश के कई महानगरों में आज शुक्रवार को पेट्रोल महंगा मिल रहा है, वहीं डीजल का भाव अपने पुराने स्तर पर ही है। सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाला गेम रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति 11 के फैंस के लिए बुरी खबर है, क्योंकि अब जल्द ही ऑफ एयर होने वाला है। बताया जा रहा है कि दिसंबर से पहले ही सोनी टीवी में KBC के समय पर दूसरा पॉपुलर शो शुरू होने वाला है। भारत और बांग्लादेश के बीच इंदौर में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में भारत ने बांग्लादेश की पहली पारी के स्कोर को पीछे छोड़ दिया। दूसरे दिन खबर लिखे जाने तक भारत ने 111 ओवर में 6 विकेट खोकर 454 रन बना लिए हैं।